सह्याद्री हॉस्पिटल नासिक के लिए मुझे आपको एक चीज़ बताते हो और बहुत खुशी हो रही है कि सह्याद्री हॉस्पिटल नासिक ने अपने सारे इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेड किया है। हमने रिसेंटली अभी 4K लैपरोस्कोपी सिस्टम खरीदा है जो बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो नॉर्थ महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं है। कार्डियक सर्जरी के लिए हमने अभी MISC इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हैं विच इज़ वेरी वेरी एडवांस। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारे पेशेंट्स को हम ये बता सकें कि क्वालिटी, सर्विस, इन चीज़ों में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जब किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये सारे मापदंड जो होते हैं, इन सारे मापदंड को देखने वाली जो कंपनी होती है, जो जिन सारे मापदंड को जो देखता है वो है NABH। एंड सह्याद्री हॉस्पिटल नाशिक इज़ NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल। ये सिर्फ आपके सपोर्ट से है, आपकी दुआओं से है और हमेशा जो दुआएं दो साथ आपका बना रहेगा उसके लिए धन्यवाद। Being associated with Sahyadri Hospital for almost 9 months, the reason being it's a patient-friendly hospital and well-equipped with 250 beds. We got a big ICU with 24 hours ICU cover, intensivist cover. इथे अत्याधुनिक cath lab, neuro ICU जे dedicated stroke चा, brain tumors चा आणि epilepsy चा plus critical neurology चा सगळ्या patient साठी आम्ही सुरू केलेले आहे। हमारे पेशेंट्स जो हम आजकल हम ट्रीट करते हैं हार्ट पेशेंट्स, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिसीज़ लेके आते हैं। यहाँ पर सह्याद्री हॉस्पिटल नासिक में हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और एक स्किल्ड टीम हमने डेवलप की है जो पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट्स दे सकती है। मैं पेट के और छाती के, स्पेशली फुफ्फुस के ऑपरेशंस करता हूँ। ज़्यादातर ऑपरेशन हम दूरबीन द्वारा करते हैं जिससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, दर्द कम होता है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, मेडिसिन्स कम लगती है और वो जल्दी डिस्चार्ज होके अपने काम पे वापस जा सकते हैं। सह्याद्री हॉस्पिटलच्या ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंटबद्दल सांगायचं झालं तर आपण बायलॅटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट मिनिमल इन्वेसिव म्हणजे अगदी छोटा कट घेऊन, इन्सिजन घेऊन सर्जरी करतो। लो कॉस्ट बट व्हेरी इफेक्टिव क्वालिटी ऑफ सर्जरी सह्याद्री हॉस्पिटल नाशिक इथे आपण देतो। या व्यतिरिक्त ॲडल्ट वॅक्सिनेशनला महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे। कोविडच्या व्यतिरिक्त आता कोविड आल्यामुळे कोविडच्या वॅक्सिन्स खूप प्रसिद्ध झाले, पण याच्या अगोदरपासून आपल्याकडे फ्लूचे वॅक्सिन्स, निमोनियाचे वॅक्सिन्स अवेलेबल आहेत। या वॅक्सिन्स ॲडल्ट्सना सुद्धा घेणं गरजेचं असतं जेणेकरून रेस्पिरेटरी डिसीजेसची आपली जी सोसायटीमध्ये जी स्प्रेड आहे तो स्प्रेड कमी होईल। तुमचं काम पण बॅलन्स करा, पण ॲट द सेम टाईम स्वतःकडे पण लक्ष द्या। रेग्युलर चेकअप करत चला, काही मेडिसिन्स असतील ते रेग्युलर घेत चला, डॉक्टरांकडे जात चला आणि मेन म्हणजे जो मोटो आम्ही फॉलो करतो तो म्हणजे सायंटिफिक अँड अफेक्शनेट केअर, म्हणजे शास्त्रशुद्ध आणि प्रामाणिक ट्रीटमेंट ही प्रत्येक पेशंटला मिळाली पाहिजे हा आमचा अट्टहास असतो। आणि ॲट द सेम टाईम इट शुड बी अफेक्शनेट, सो इट इज मोर ऑफ अ टेंडर लव्हिंग केअर, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट दॅन द सायन्स हिअर।